कैसे और क्या पढ़ेंगे बच्चे, क्या है FLN, माता पिता के लिए VRS का संदेश, ग्रामों में गरीब परिवार के पढ़ रहे बच्चों को शासकीय स्कूल में कैसे पढ़ाया जा रहा और क्या पढ़ाया जा रहा, विकासखंड स्त्रोत्र समन्वयक राकेश रघुवंशी के साथ विस्तार से संवाद। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। आज हम जिस विषय को लेकर आपके सामने मौजूद हैं वो बहुत ही बच्चों के भविष्य का विषय है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि जब जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर गरीब परिवार जो हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, उस परिस्थिति में वे जो शासकीय स्कूल हैं उनमें अपने बच्चों को भेज रहे हैं और वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कैसी पढ़ाई चल रही है, शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे उनमें ग्रोथ होगी और कितने ग्रोथ, अर्थात मेरा कहने का उद्देश्य है कि उनमें पढ़ाई में जो आगे बढ़ रहे हैं वो कितना आगे बढ़ पा रहे हैं, कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना, अगर इंग्लिश की बात करी जाए या हिंदी की बात करी जाए या गणित की बात करी जाए तो कितना उनमें वो पढ़ पा रहे हैं, कितना उसमें आगे बढ़ रहे हैं, इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान विकासखंड स्रोत समन्वयक राकेश रघुवंशी जी, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, हम बात कर रहे थे FLN, सबसे पहले तो FLN है क्या जी? ये इसका हिंदी जो रूपांतरण है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, विशेषकर हिंदी, अंग्रेजी और गणित जो बच्चों को आना चाहिए बेसिक। एक्चुअल में पहले क्या होता था, एक पाठ्यक्रम निर्धारित रहता था कि कक्षा एक में ये पाठ्यक्रम रहेगा, कक्षा दो में ये रहेगा और आगे आगे कक्षाओं में रहता था। पर FLN ने क्या किया है, इस पाठ्यक्रम को केवल गतिविधि आधारित किया है, पुस्तक फ्री है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये पाठ के बाद ये पाठ आना चाहिए। जैसे मान लो हमने पढ़ा, पहले हमने का और ला कल पढ़ा, तो सबसे पहले हमने का कलम का सीखा, ला लड़की का सीखा। वर्तमान में ऐसा नहीं है, पहले वो कल सीखेगा, क्योंकि कल की जो ध्वनि है, कल की जो आवाज़, का और ला में जो अक्षर आ रहे हैं उनकी आवाज़ वो घर से सीख के आया है, बच्चा उनको जानता है, आवाज़ जानता है। केवल उसको उस ध्वनि से पकड़ना है कि का कैसा होता और ला कैसा होता। ये बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान या FLN या फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ये इसका उद्देश्य है। तो उस आधार पर ये FLN का निर्माण किया गया है। 2027 तक ये यहाँ पर अपने मध्य प्रदेश में लागू है, निपुण भारत के अंतर्गत। इसमें पहले कक्षा एक और दो चालू हुआ था, वर्तमान में ये कक्षा चार तक पहुँच चुका है। हम बात करेंगे उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को कैसे ऑब्जर्व करें, उनको कैसे परखें कि हमारा बच्चा जो शासकीय स्कूल में जा रहा है उसे वो इंग्लिश या हिंदी या गणित पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है और उसमें वो आगे बढ़ पा रहा है या नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि माता पिता जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो अपने बच्चों को कैसे परखें। तो कक्षा एक में या कक्षा दो में FLN की जो आप बात कर रहे हैं तो उसमें कैसे परखें, क्या पढ़ाया जाता है, किस परिस्थिति से पद्धति से पढ़ाया जाता है? जी, इसमें दो प्रकार की पुस्तकें हमारी चल रही हैं। एक होती है शिक्षक के लिए मार्गदर्शिका रहती है, जिसे हम लेसन प्लान कहते हैं हमारी भाषा में। शिक्षक को क्या पढ़ाना है उसकी पूर्व तैयारी हेतु उसमें एक पाठ्य योजना बनी हुई है, वो बच्चे के पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसी प्रकार एक बच्चों की एक अभ्यास पुस्तिका रहती है। अभ्यास पुस्तिका का मतलब ये है कि बच्चा उसमें अभ्यास तो कर सकता है, पढ़ भी सकता, अभ्यास भी कर सकता। उस अभ्यास पुस्तिका को सप्ताहवार और दिनवार बांटा गया। सप्ताहवार का मतलब ये होता है कि पहले सप्ताह में कौन कौन सी गतिविधि की जानी, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे गणित हो, और उस सप्ताह को दिन में बांटा गया। मान लो कोई बच्चा 3 दिन बीमार रहा और चौथे दिन स्कूल उपस्थित होता है, तो उसका जो सप्ताह का दिन चालू होगा, जिस दिन वो उपस्थित होगा उस दिन से चालू होगा। तो वही की वही पालक भी देख सकता है, वो शिक्षक भी देख सकता है कि मान लो कोई रमेश नाम का लड़का था, पहले दिन आया था, दूसरे दिन आया था, पर 3 दिन वो नहीं आया, तो अब अगले बार जब आएगा तो उसका तीसरा दिन वहीं से स्टार्ट होगा। तो सबसे अच्छी सुविधा ये है कि उसमें एक क्रम है, उस क्रम के आधार पर अभिभावक भी देख सकते हैं कि मेरे बच्चे ने पहले दिन की एक्टिविटी पूरी कर ली कि नहीं, दूसरे दिन की कर ली कि नहीं, और फिर अगला तीसरा दिन जब पढ़ा तो उसकी एक्टिविटी पूरी की कि नहीं। तो वो शिक्षक भी देख सकता है, तो पालक भी देख सकता है। यदि थोड़े से जागरूक हों तो उसमें शिक्षक को साइन करना है, डेट डालना है और ये बताना है कि इस दिन पर हमारा बच्चा है। अच्छा, जो पुस्तक जो आपके द्वारा उनको दी गई है, अभ्यास पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका, उसमें सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। सप्ताहवार है और दिनवार है। सप्ताह को 6 दिन में बांटा गया, 5 दिन उसका अभ्यास चलेगा, 6वें दिन रिवीजन है कि भाई जो 5 दिन उसने एक्टिविटी की है उसके 6वें दिन उसका रिवीजन हो जाता है। जी, धन्यवाद सर। अच्छा, हम बात करते हैं अब इसी आगे बढ़ के कि कक्षा एक और दो
ये एक साथ लग रही हैं, तो एक साथ लग रही हैं तो इसमें कक्षा एक और दो में कैसे पढ़ाई होगी? कक्षा एक और दो एक साथ लगने का उद्देश्य और एक साथ लगना ही नहीं है, और जो टीचर हमने प्रशिक्षण जिसको दिया है कक्षा एक और दो का, और वो 2027 तक वही कक्षा एक और दो को पढ़ाएगा। ये हमने ट्रेनिंग की व्यवस्था की है ताकि उसको अनुभव भी रहे कि मैंने बच्चों को क्या पढ़ाना है। एक और दो का सिलेबस जो है लगभग सेम है, जैसा हम देखें यदि आप देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर रहता, तो कई जगह थोड़ा सा डिफरेंस होता पर इतना डिफरेंस भी नहीं होता। जो अच्छे बच्चे हैं हमारे जो अच्छा कर पाते हैं वो कक्षा दो के लेवल पर पहुंच जाएंगे, परंतु जो बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे तो वो कक्षा एक के साथ बैठ के पढ़ेंगे तो उनका जो बेस है वो बेस क्लियर होगा, ठीक होगा, और आगे जाके वो कक्षा के अनुरूप दक्षता हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद। अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चों की, जो बच्चे शासकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो माता पिता उन्हें भेज रहे हैं शासकीय स्कूल में, हम उन बच्चों की बात करेंगे। एक बच्चे को कक्षा एक या कक्षा दो में कितना, अगर हिंदी की बात करें, हिंदी विषय में उसे क्या क्या आ जाना चाहिए कक्षा एक में? कक्षा एक में तो जितने अक्षर हैं हमारे हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो सभी पहचानना आना चाहिए। मैं बीच में रुकूंगा, कक्षा एक और दो को हम एक साथ ही गिनेंगे या अलग अलग ही रखना पड़ेगा? हम एक साथ ही गिनेंगे। हाँ। कुछ जो बच्चे FLN से जुड़ गए हैं, हाँ। यदि वो कक्षा एक में FLN पढ़ के आए हैं तो निश्चित ही उन्हें कक्षा एक का सिलेबस पार कर चुके होंगे, क्योंकि उनका जो पूरा साल अभ्यास चला है उसके अनुसार उन्होंने कक्षा एक की दक्षता हासिल कर ली होगी। परंतु जब हम उस अभ्यास पुस्तिका को देखेंगे तो उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि ये कक्षा दो के लिए भी है, तो कक्षा एक में उन्होंने अक्षर पहचानना सीखा, बिना मात्रा के शब्द सीख लिए, हिंदी विषय के लिए, हिंदी विषय की बात कर रहे हैं, हाँ। जैसे कल है, नल है, जल है, अलग है, परख है, ऐसे जो वर्ड है वो सीख लिए, ये हिंदी विषय में पर्याप्त है। और यदि इससे ज्यादा सीखते हैं तो कक्षा दो भी उनके साथ लग रही है तो वो उसको भी सीख सकते हैं, जैसे मात्राओं वाले शब्द हैं, मिला के शब्द किसी चीज को, एक साधारण शब्द है कि राम बाजार गया, एक वाक्य बन गया और इसको पढ़ पा रहा, लिख पा रहा, समझ पा रहा, बहुत बड़ी बात है। साथ में केवल पढ़ना लिखना नहीं, उसकी ध्वनि को भी पहचाने, विशेषकर जैसे हमारे पास तीन सा होते हैं, अब बहुत से लोगों को इसका उच्चारण नहीं पता होता, साधारण बोलचाल भाषा में बोल लेते हैं पर उनको नहीं होता, तो वो उस ध्वनि को पहचान सके, उस ध्वनि से समझ सके कि ये इस वर्ड की बात चल रही है। जैसे आपने अभी सर हिंदी के विषय में बताया कि हिंदी में बच्चे को क्या क्या आना चाहिए, अगर इसी से आगे बढ़ के हम बात करें तो इंग्लिश विषय में बच्चे को उसी मतलब कैसे क्या क्या आ जाना चाहिए कक्षा एक और दो में? कक्षा एक और दो में जो अपन देखें, कक्षा एक के लिए तो वही अब पूरा अल्फाबेट आना चाहिए, ABCD पूरे आ गए, उसके बाद जो छोटे छोटे वर्ड हैं जैसे RAT रेट, CAT कैट, ये वर्ड आ जाए, सिंपल सिंपल वाक्यों को वो पढ़ सके, जैसे इंग्लिश के वाक्यों को पढ़ सके, छोटे छोटे वाक्य हैं, ज्यादा बड़े नहीं, स्पेलिंग तो दिस इज ए राम है ना, तो दिस इज ए राम, ये भी आप हमारी कक्षाओं में जाके देखेंगे, हमारे बहुत से स्कूलों में शिक्षक लोग गतिविधि कराते हैं तो दिस इज राम बोर्ड पर लिखा, बच्चा पढ़ रहा है और सारे बच्चे दोहरा रहे हैं, क्योंकि ये जो सिखा रहे हैं, जैसे दिस इज राम अपने एक साधारण भाषा में कहा, पर वहाँ एक्टिविटी बेस होता है, एक्टिविटी का मतलब वो गीत के माध्यम से हो सकता है, कहानी के माध्यम से हो सकता है, जैसे किसी बच्चे को कहा पर्चे दे दे, व्हाट इज यूअर नेम, तो बताएगा माई नेम इज राम, माई नेम इज गीता, माई नेम इज सीता, तो ये एक्टिविटी के माध्यम से जब होता है तो हमें ये लग रहा है कि माई नेम इज गीता कहना सरल है, पर पहली दूसरी के हिसाब से बहुत कठिन है, पर जब एक्टिविटी में करते हैं तो बच्चे उस फ्लो में बोलते हैं कि माई नेम इज गीता, माई नेम इज गीता, मतलब अपने आप याद हो गया, अब ये जो बोला है उसको धीरे धीरे वो लिखना भी सीख जाते हैं, समझना भी सीख जाते हैं, पढ़ना भी सीख जाते हैं। तो आपने देखा कि हिंदी में बच्चे को जो सरल वाक्य हैं वो भी बन पढ़ना आना चाहिए कक्षा एक और दो में, और अगर बात करते हैं इंग्लिश की तो जैसे सर ने बताया कि इंग्लिश के भी जो अंग्रेजी भाषा जो है उसमें भी बच्चे को जो सरल भाषा के जो सरल वाक्य हैं वे उनको पढ़ना और लिखना आना चाहिए, ये सर ने जैसा कि बताया। अब हम बात करते हैं अगले विषय की, अगला विषय है हमारा गणित की, गणित में बच्चे को जो मैथ विषय है इंग्लिश में जिसे मैथ कहते हैं, मैथमेटिक्स, और गणित विषय है उसमें बच्चे को क्या क्या आ जाना चाहिए कक्षा एक और दो में, तो हम कक्षा एक और दो की बात करेंगे गणित विषय की, तो उसमें क्या क्या आ जाना चाहिए बच्चों को? जैसे कि मतलब पहली से यदि बात करें तो आप काउंटिंग मतलब 100 तक गिनती तो आना ही चाहिए। छोटे छोटे यदि कक्षा एक में बात करें तो बिना हासिल वाले सवाल आ जाए, घटाना वाले बड़ी संख्या में से छोटी, बड़ी संख्या का मतलब ऊपर के अंक बड़े हों नीचे के छोटे हों, ठीक है ना, जोड़ना घटाना की वाली जो संक्रिया है वो आ जाना चाहिए। दूसरी क्लास में थोड़ा सा बड़ा मतलब थोड़ा हासिल आ जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है जो हमारा FLN है वो ये नहीं कहता कि डायरेक्ट आप बच्चे को पहले गिनती सिखाओ फिर जोड़ना सिखाओ, बच्चे को जोड़ना घटाना दोनों चीज़ें आती, तो एक्टिविटी से पढ़ाते हैं कि हमने 10 पत्थर ले आए, 10 चॉकलेट ले आए,
भैया चार चॉकलेट दे दी, अब कितनी बची, तो बच्चा गिन के अपने आप काउंट करके बता देता है कि छः बची, या इसके पास चार चॉकलेट थी, इसके पास छः थी, आपके पास कितनी हो गई, दस, वो काउंट करके बता दे, ये उसको बताया जाता है कि भैया ये जोड़ना हो गया। जब ये चीज़ हम बताते हैं व्यवहारिक जीवन से, तो वो जोड़ने वाली जो क्रिया है, संक्रिया, वो जोड़ना सीख जाता है कि गणित में ऐसे जोड़ा जाता है, ये चार उंगली ली, ये छः उंगली ली, दस हो गए। तो यदि बोर्ड पे हम सिखाएंगे तो कठिन होता है, पर वस्तु लेके जब सिखाते हैं तो वो जोड़ने की संक्रिया हो या घटाने की संक्रिया हो, वो तो आसानी से बनती, तो एक्टिविटी बेस पे रहता है जी। तो जैसे आपने तीनों विषय के विषय में विषय जो थे हमने उन पे डिस्कस किया कि बच्चे को क्या क्या आ जाना चाहिए, अब जैसे कि माता पिता जो है वो स्कूल अगर जाते हैं तो वो कैसे क्या कर सकते हैं स्कूल में जाके कि उनके बच्चों को वो परख सकें, टीचर्स के सामने देख सकें, उनसे बात कर सकें, उनके उनकी जांच कर सकें, या एक तरीके से मूल्यांकन अगर कहे जाए तो कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं? दो प्रकार से मूल्यांकन कर, एक तो आप साधारण जो तरीका होता है कि भाई आपने कुछ चीज़ जो पुस्तक उनकी लेवल की वो पढ़ा लें, हमारे पास हमने जो उनको एक किट उपलब्ध कराई है, हमने टीचर्स को वो स्कूल में उपलब्ध रहती है, जैसे केला रखा है मान लो, तो एक कार्ड में केला लिखा, तो हम क्या करते हैं सारे बच्चों को वो कार्ड बिखेर दिए कि भाई ये एक पर केला चला गया, एक पर मछली चला गया, एक पर आम चला गया, अमरूद चला गया, अब हम बच्चे से कहेंगे जो अमरूद है वो आ जाए, तो वो बच्चा यदि मतलब सीख गया होगा, जानता होगा, तो वो देखेगा कि एक तो अमरूद का चित्र बना है और एक अमरूद लिखा है, वो अमरूद लेके आ जाएगा कि ये मैं अमरूद है, ठीक है कि नहीं। तो ये इससे हम हिंदी पढ़ सकते, ऐसे ही गतिविधियाँ इंग्लिश में, ऐसी गतिविधि हमारी गणित में है, आप उन पर कार्ड बिखेर दीजिए वो कार्ड लेके आ जाएंगे। जोड़ने के सवाल, आप दो कार्ड मिला दीजिए कि एक में 35 लिखा था, एक में 32 लिखा था, दो दो दोनों कार्डों को मिलाओ कितना हो गया, तो जोड़ के बता देगा अपने काउंट करके कितना हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगला, यदि किसी स्कूल में कक्षा पहली, किसी कोई भी स्कूल हो सकता है वो, और कक्षा पहली और दूसरी के जो बच्चे हैं उनको ये नहीं आ रहा है, वो नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए जिम्मेदार है? यदि वो कक्षा एक और दो में बच्चा नियमित आया तो यदि नहीं कर पा रहे तो उसके लिए जिम्मेदार शिक्षक है। एक चीज़ और बता दूँ, पहली और दूसरी में कोई एग्ज़ाम नहीं होता, यहाँ पर हर 10 सप्ताह के बाद एक आवधिक आकलन है, 10वें 20वें और 30वें सप्ताह में, मतलब वो उनका त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा जैसा है। यदि वो आवधिक आकलन में भी वही होता है, ऐसा आकलन नहीं है कि केवल उसको नंबर दिए जाएंगे, वो प्रश्न रहते हैं जो प्रश्न को उत्तर देंगे, कितने उत्तर वो सही दे पा रहा है उसके आधार पर उसका आगे का सप्ताह बढ़ेगा। यदि मान लो बच्चा नहीं कर पा रहा, 10वें आवधिक आकलन से पास नहीं कर पा रहा, तो शिक्षक की जवाबदारी ये है कि उन बच्चे को पीछे रखे और फिर से उसका सप्ताह शुरू करे और उसको अभ्यास कराए, तो निश्चित ही जब वो पढ़ के निकलेगा, मतलब तीसरे सप्ताह को पार करेगा, तो बच्चा सीखेगा, और यदि नहीं कर पा रहा तो उसके लिए जवाब दे वो शिक्षक। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी उन माँ बाप के लिए, उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को शासकीय स्कूल में भेज रहे हैं, जो गरीब परिवार हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल में वो प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, और कई स्कूल ऐसे भी हैं जो कि बंद होने की कगार पे हैं या बंद हो गए हैं, क्योंकि उस स्कूल में, उस गाँव के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में चले गए हैं, तो शासकीय स्कूल ही बंद है। शासकीय स्कूलों की कंडीशन अगर देखा जाए तो बच्चों की संख्या निरंतर घट रही है, उस बीच आपका ये जो विषय आपने रखे, जो जानकारी आपने दी, इससे माता पिताओं को, बच्चों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और आगे शिक्षक अगर पढ़ाते हैं और पढ़ा ही रहे हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप भेज रहे हैं, उनकी काउंसलिंग अगर निरंतर होती रहती है, पढ़ाई इस तरीके से होती है, पहले जो व्यवस्था है उसके माध्यम से, तो निश्चित ही बच्चे आगे बढ़ेंगे। और हम आगे बात करेंगे कक्षा तीसरी और चौथी के लिए, सर हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे कि तीसरी और चौथी में बच्चों को क्या आना चाहिए, इसके लिए मिलिएगा आगे अगले अंक में। नमस्कार, फिर मिलते हैं। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।